मध्य प्रदेश के रायसेन में आंगनबाड़ी में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ बच्चों के मिड डे मील में मांस मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार दोपहर लगभग 12 बजे केंद्र के बच्चों को भोजन परोसा गया, जिसमें सब्जी में मांस के टुकड़े मिलने पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलने पर SDM LK खरे ने आंगनबाड़ी पहुंचकर जांच की। शिकायत सही पाए जाने पर केंद्र में खाना देने वाले स्वयं सहायता समूह का ठेका निरस्त करने के आदेश SDM ने दे दिए हैं। स्थिति आज जो घटना रायसेन के वार्ड क्रमांक 3 में आंगनबाड़ी में हुई है वो बहुत निंदनीय है। भाजपा का चेहरा उजागर करने की दृश्यता दिखाता है आज का जो आंगनबाड़ी में कृत हुआ है। जहां एक और अधिकारी 31 की गुमारी में है, जो 31 का सेलिब्रेशन करते हैं, मांस मक्खन का सेवन कर रहे थे, उसी का हिस्सा आज बच्चों को परोसने का काम उस आंगनबाड़ी में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक और हिंदुत्व की बात करती है। आज हमारा पवित्र पावन दिन मंगलवार था, मीनू में पुड़ी और खीर का सेवन बच्चों को करना था, लेकिन उस पुड़ी और खीर में बच्चे जब देखते हैं कि मांस परोसा जा रहा है तो वो बच्चे उस खाने को छोड़ देते हैं और अपनी शिकायत घर पे जाकर करते हैं। मेरा ये कहना है कि महिला बाल विकास जो आंगनबाड़ियां चलवा रही हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए खाने पे किस प्रकार से खाना परोसा जा रहा है। किसी हमारे इधर यानी आंगनबाड़ियां रायसेन जिले और नगर में हैं और इनके खाने का कैसा रूटीन है, कैसा खाना बट रहा है, कैसा नहीं बट रहा, यानी अच्छा खाना बट रहा है या बेकार खाना बट रहा है। अभी एक मामला मेरे सुनाई में आया है कि अभी एक आंगनबाड़ी में किसी प्रकार का, आज हमारा यानी सबसे बड़ा दिन माना जाता है हिंदू धर्म में मंगलवार, मंगलवार के दिन किसी एक आंगनबाड़ी में मांस प्राप्त हुआ अभी खाने में, मुझे जानकारी मिली। इस पे महिला बाल विकास की जो अधिकारी हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए, सभी आंगनबाड़ियों को, एक ही आंगनबाड़ी नहीं सभी आंगनबाड़ियों पे ऐसे ध्यान देना चाहिए कि सभी प्रकार अच्छे प्रकार से भोजन मिले और सभी को उसका जाँच यानी खाने की जाँच की जाए, उसके बाद आंगनबाड़ियों में खाना दिया जाए। मेन्यू के अनुसार बच्चों को खीर पूड़ी और सब्जी देना था। मिड डे मील से खाना मिलने के बाद बच्चों को परोसा गया। इसी बीच एक बच्ची की थाली में सब्जी के साथ मांस का टुकड़ा दिखाई दिया। बच्ची के साथ बैठी एक दूसरी बच्ची ने इसे देखा और कार्यकर्ता को बताया। कार्यकर्ता ने तुरंत बच्चों से भोजन वापस लिया और इसकी सूचना पर्यवेक्षक को दी। इसकी शिकायत SDM तक पहुंची। बाद में बच्चों को केवल खीर और पूड़ी परोसी गई। SDM ने आंगनबाड़ी पहुंचकर सब्जी की जांच की, जिसमें शिकायत सही पाई गई। उन्होंने पर्यवेक्षक को पंचनामा समेत रिपोर्ट बनाने के निर्देश देते हुए खाना देने वाली मां भवानी समूह का ठेका तुरंत निरस्त कर उसे निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक ये समूह जिस घर में भोजन बनवाता है उसी घर में सब्जी में मांस के टुकड़े मिलाए गए थे। इस मामले में सेक्टर पर्यवेक्षक सुनीता रजक ने बताया कि जांच में शिकायत सही पाए जाने पर समूह का ठेका निरस्त कर दिया गया है। वही मामले में SDM LK खरे का कहना है कि वार्ड 3 की आंगनबाड़ी में बच्चों को परोसी सब्जी में मांस के टुकड़े मिले हैं, जिसकी जांच कर महिला बाल विकास अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। नरापुरा और मणिपुरा स्थित वार्ड नंबर 3 की दुकान आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 पर ये सूचना प्राप्त हुई थी कि आज जो सब्जी बनती है आलू टमाटर की, उसमें चिकन का कुछ जो है ना हिस्सा उसमें डाला हुआ है। मुझे जैसी सूचना प्राप्त हुई मैं तत्काल वहाँ मौके पर गया। मैंने भी ये पाया कि जो सब्जी है सब्जी के अंदर चिकन का टुकड़ा उसमें डाला हुआ था। तत्काल मैंने पंचनामा बनाया और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए DPO को एक प्रतिवेदन भेजा है। संभवतः DPO उस पर तत्काल कार्रवाई भी कर रहा है। घटना के बाद से मिड डे मील के खाने को लेकर स्थानीय लोगों में अविश्वास देखने को मिल रहा है। फिलहाल भोजन के सैंपल को जाँच के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।